Hello everyone, I'm Sonam Sandhu from IELTS Made Easy, and in this video, I'm going to focus on important vocabulary words. In this session, I'll not only be sharing these 18 words, but along with these words, I'll also be sharing the sentences related to these 18 words. Now, these are the words which will help you in scoring quite well in your कॉमनली यूज वर्ड्स इफ एनी टॉपिक सो आप इन वर्ड्स को किसी भी ऐसे में यूज कर सकते हो चाहे वो ऐसे स्पोर्ट्स रिलेटेड टॉपिक पे हो क्राइम रिलेटेड टॉपिक पे हो टेक्नोलॉजी पे हो या किसी भी और टॉपिक पे हो यू कैन सिंपली इनकॉर्पोरेट दीज वर्ड्स इजीली इन योर राइटिंग एज वेल एज इन योर स्पीकिंग विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल नाउ द फर्स्ट वर्ड हियर इज एक्वायर्ड वी यूजुअली यूज द वर्ड गेट है ना Instead of get, we use acquire. Acquire means to gain or obtain something, such as knowledge or a skill. Whenever you want to use like something related to knowledge or a skill, you simply use the term acquire. And for acquire, you can use the uh, sentence such as, or she acquired knowledge by watching a lot of YouTube videos related to IELTS writing. So acquired can be used like such.

एंड कनेक्टेड इनिफाइड मैनर मतलब प्रॉपरली वेल कनेक्टेड कोई ऐसे है, तो उसे आई वु एक्सप्रेस आई वु एक्सप्लेन की जगह पे आप बोल सकते हो आई वु कन्वे कन्वे का मतलब होता है टू कॉम्युनिकेट और एक्सप्रेस समथिंग इन अ क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल वे टॉकिंग अबाउट द डाइवोर्स का मतलब होता है डील ऑफ डिफरेंसेस. मतलब बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं तो उसे हम डाइवोर्स बोल सकते हैं डिस्टिंक्ट भी बोल सकते हैं टॉकिंग अबाउट सिक्स वर्ड एंड दिक्स वर्ड हेयर इज एविडेंट Evident का मतलब होता है क्लियरली विजिबल समथिंग अ समथिंग क्लियरली विजिबल डेट इज एविडेंट द सेवेंथ वर्ड हेयर इज इम्प्लीकेशन इम्प्लीकेशन होता है पॉसिबल इफेक्ट और रिजल्ट ऑफ एन एक्शन फॉर एग्जाम्पल कोई प्रॉब्लम हो चुकी है अब उस प्रॉब्लम का आपकी लाइफ में क्या इफेक्ट हो रहा है या क्या रिजल्ट है उसे बोलते हैं इम्प्लीकेशन एट वर्ड हेयर इज इनएविटेबल इनएविटेबल इज समथिंग दैट इज सर्टेन टू हैपन इनएविटेबल इज जो होने वाला ही है सर्टेन टू हैपन अनएल उसे बोलते हैं इन एविटेबल सर्टेन टू है नाइन्थ वर्ड हेयर इज नोशन नोशन मीन्स एन आइडिया बिलीफ और बट यहाँ पे राधर दैन नोशन में रिकमेंड करूंगी कि आप बिलीफ यूज कर लो या एजर्शन यूज कर लो बिकॉज एजर्शन एंड बिलीफ आर एक्चुअली वर्ड्स ऑफ हाई बैंड बुक नाउ कमिंग टू दी

क्वालिटी ऑफ बींगनेक्टेड है ना देखो जैसे इन मतलब साइड करना, करना भड़काना रेलिवेंस है द क्वालिटी ऑफ बींग क्लोजली कनेक्टेड और एप्लीकेबल टू द मैटर एट हैंड मतलब इट इज रेलिवेंट टू दिस कोई पर्टिकुलर चीज दूसरी चीज से मिलती जुलती है उसमें कुछ रेलिवेंस है फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ की और आप मुझे बता रहे हो रेलिवेंट टू दियर दैट इज रेलिवेंसिंग टू दर्ड एंड वर्ड हियर इज रेजिलियट रेजिलियंट का मतलब होता है एबल टू रिकवर और बाउंस बैक क्विकली फ्रॉम डिफिकल्ट सिचुएशन सम पीपल आर क्वाइट रेजिलियंट वो क्यों रेजिलियंट है दे आर एबल टू रिकवर कोई डिफिकल्ट सिचुएशन भी लाइफ में आ जाए दे आर एबल टू रिकवर दे बाउंस बैक क्विकली फ्रॉम डिफिकल्ट सिचुएशन है ना ऐसा होता है ना कि यार कुछ लोग होते हैं कि कुछ बहुत ही लाइफ में खराब भी हो गया फिर भी बहुत जल्दी रिकवर कर लेते हैं और कुछ ऐसे होते हैं कि जो उसी के बारे में सोच सोच के अपना प्रेजेंट भी खराब करते हैं एंड आई नो अट ऑफ यू टेक स्ट्रेस बिकॉज ऑफ आल्स प्रिपरेशन एज वेल बिकम रेजिलियंट भूलोगे नहीं अब इस मीनिंग को मुझे पता है शियल सब्सटैंशियल का मतलब होता है कंसिडरेबल इन अमाउंट साइज और इंपॉर्टेंस कोई चीज जो कंसिडरेबल है अमाउंट में है ना मतलब कि कुछ एक मेजर प्रोपोर्शन है मतलब दिख रहा है कि ये चीज इसकी वैल्यू ज्यादा है कंसिडरेबल सब्सटेंशियल टॉकिंग अबाउट दर्ड फिफ्टी किसी चीज को वीकन करना डिश करना किसी चीज की इफेक्टिवनेस को किसी की वैल्यू को किसी के कॉन्फिडेंस को अंडरमाइन नहीं करना चाहिए है ना सुना होगा ना आपने ऐसा सो नेवर अंडरमाइन द कॉन्फिडेंस ऑफ द स्टूडेंट हुआ ट्राइंग टू स्पीक इन इंग्लिश राधर सजेस्ट दम समथिंग ठीक है ऐसा कुछ उसे बोलेंगे अंडरमाइन सिक्सटींथर इज वेलिडिटी क्वालिटी ऑफ बींग लॉजिकली और फैक्चुअली साउंड लॉजिकली साउंड है या फैक्चुअली साउंड है वहां पर हम यूज कर सकते हैं वैलिडिटी वैलिडिटी इज अउन हेयर अब जो भी हूँ अगर आपको नहीं पता कि वो पर्टिकुलर वर्ड वर्ब है नाउन है एडजेक्टिव है या एडव है तो कोई फायदा नहीं है फिर आप उस पर्टिकुलर वोकेबलरी को सही से यूज कर ही नहीं पाओगे ठीक है सो यस इस चीज का ध्यान देना सेवेंटींथ वर्ड इज वर्सिटाइल वर्सटाइल होता है कैपेबल ऑफ अडेप्टिंग और बींग यूज फॉर वेरियस पर्पिज कोई ऐसी चीज मतलब वर्सेटाइल होना वर्सेटाइल नेचर में होना फॉर एग्जाम्पल की वो सिंगिंग में भी पार्टिसिपेट कर लेता है डांसिंग में भी कर लेता है ही कैन टॉक ऑन वेरियस टॉपिक्स नॉलेजेबल भी है इंटेलिजेंट भी है मतलब ओवरऑल स्मार्ट है वर्सेटाइल है उसको काफी सारी चीजों की नॉलेज है अगर कोई थिंग वर्सिटाइल है मतलब दैट पर्टिकुलर थिंग कैन बी यूज फॉर वेरियस पर्पसेज फैली हुई हैनी पीपल इंग्लिश इज वाइड है, है ना so, सो सारे लोग इसे बोलते हैं यहाँ okay? पे मैंने आपको वर्ड्स के मीनिंग्स अच्छी तरह बता दी एंड आई बिलीव आप सब लोग ना ये वर्ड्स के मीनिंग लिख रहे हो गए इफ यू आर नॉट राइटिंग प्लीज राइट दाउन दर्ड्स राधर देन टेकिंग द स्क्रीन शॉर्ट बिकॉज पर्टिकुलर थीमेंग टू दार्टी के sentences कौन से हम यूज कर सकते हैं हम यूज कर सकते हैं शी स्टडीड डिलीजेंटली टू एक्वायर द नेसेसरी स्किल्स फॉर द जॉब उसने बहुत ही ध्यान से बहुत ही हार्डवर्क करा और डिलीजेंटली वो पढ़ती रही सिंसियरली पढ़ती रही पॉलिटिशियन स्टेटमेंट वॉज इंटेंशनली एम्बिग्यूअस लिविंग रूम फॉर इंटरप्रिटेशन मतलब उसकी जो स्टेटमेंट थी ना उसके दो मीनिंग निकल रहे थे या मीनिंग क्लियर नहीं था या डबल मीनिंग निकल रहा था उसकी वजह से लोगों को इंटरप्रेट करने का मौका मिल गया क्रॉस क्वेश्चनिंग करने का मौका मिल गया और ऐसा तो होता ही है ना बहुत बार कि कुछ बोल देते हैं एंड देन पीपल क्रॉस क्वेश्चन है ना नेक्स्ट इज कोहेसिव द कोहेसिव स्ट्रक्चर विद ईच पैराग्राफ फ्लोइंग स्मूथली इन टू द नेक्स्ट जो ऐसे है उसका कोहेसिव स्ट्रक्चर है विद ईच पैराग्राफ फ्लोइंग स्मूथली इन टू द नेक्स्ट फिर विद ईच पैराग्राफ क्या हो रहा है फ्लो कर रहा है स्मूथली इनटू द नेक्स्ट मैं आपको हर बार बोलती हूँ ना राइट अ यूज करो समझ आना चाहिए कि ये खत्म हुआ है अब ये ही शुरू होगा इट शुड बी कोहोरेंट इट शुड बी कोहेसिव इट शुड हैव कोहेसिव स्ट्रक्चर मतलब सब कुछ वेल well कनेक्टेड होना चाहिए कन्वे द आर्टिस्ट यूज्ड कलर्स एंड ब्रश स्ट्रोक्स

जब जब कार को लगी, जब वो दो कार टकराई एक दूसरे के साथ तो जो डैमेज था कार का ठीक है वॉज एविडेंट मतलब वो अपेरेंट था वो साफ दिख रहा था दैट इज एविडेंट इम्प्लीकेशन इम्प्लीकेशन क्या होता कोई result. है कोई रिजल्ट है ना इफेक्ट इम्पैक्ट

डिले इन द आउटडोर इवेंट डिले तो इनएविटेबल ही था इनएविटेबल मतलब ओके सो गाइज अभी तक मैंने आपको जितने भी वर्ड्स बताए और सेंटेंसेस बताए मुझे लगता है कि आपको सब कुछ अच्छी तरह समझ आ रहा होगा फिर भी आपको वो कैबलरी से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मेरी आयल्स वो कैबलरी वाली प्लेलिस्ट जरूर देख सकते हो उसका लिंक मैं अब शेयर कर दूंगी प्लीज गो थ्रू डेट एज वेल एंड इफ यू फेस प्रॉब्लम इन राइटिंग मॉड्यूल प्लीज गो थ्रू माई राइटिंग प्ले लिस्ट एज वेल उससे भी आपको काफी हेल्प मिलेगी नाउ कमिंग टू द नाइन्थ वन नाइन्थ इज नोशन अब नोशन को हम इजिली रिप्लेस कर सकते हैं भी द नोशन ऑफ फ्रीडम इज डी इनग्रेन इन द कंट्रीज हिस्ट्री अब अगर आप नोटिस करो जो वर्ड्स में सिखा रही हूँ तो सिखा ही रही हूँ बट अपार्ट फ्रॉम दीज वर्ड्स आपको नए वर्ड्स भी मिल रहे हैं इनग्रेन्ड द नोशन ऑफ फ्रीडम जो आइडिया है फ्रीडम का इज डीपली इनग्रेन्ड इन द कंट्रीज हिस्ट्री जो कंट्री की हिस्ट्री है उसमें डीपली इनग्रेन्ड है मतलब डीपली बसा हुआ है दैट इज इनग्रेन्ड होना ठीक है नेक्स्ट इज पैराडॉक्स द कॉन्सेप्ट ऑफ लेस इज मोर पैराडॉक्स डेट चैलेंजेस कॉन्वेंशनल थिंकिंग सो होता क्या है, है कॉन्सेप्ट को ठीक है कॉन्वेंशनल थिंकिंग क्या होती है हमारी मॉडर्न थिंकिंग मॉडर्न थिंकिंग को चैलेंज करता है लेस इज मोर वाला थिंक ठीक है सो इट इज अ पैराडॉक्स और पैराडॉक्स का मीनिंग क्या था मैंने आपको बताया था पैराडॉक्स इज वॉट क्योंकि वो मॉडर्न थिंकिंग को है ना मॉडर्न थिंकिंग को क्या कर रही है दैट इज चैलेंजिंग मॉडर्न थिंकिंग ठीक है कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड प्रोवोक प्रोवोक होता है भड़काना हिज ऑफेंसिव रिमार्क्स प्रोवोक्मंग रिमार्क्स यूज करे तो उससे ऑडियंस में गुस्सा आ गया एंगर आ गया प्रोवोक करा ऑडियंस को नेक्स्ट इज रेलिवेंस द प्रोफेसर स्ट्रेस्ड द रेलिवेंस ऑफ द रिसर्च फाइंडिंग टू द रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन तो प्रोफेसर ने क्लियरली स्ट्रेस करा कि जो रिसर्च फाइंडिंग्स की रेलिवेंस है वो कह रहा है कि इट इज रेलिवेंट टू द रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ये जो रिसर्च की फाइंडिंग है आप कनेक्ट कर सकते हो रियल वर्ल्ड के फाइंडिंग के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आए बहुत सारे सेटबैक्स आए पिटफॉल्स आए शी रिमेन रेजिलियंट एंडसेवियो डेडिकेटेड रही रेजिलियंट रही ठीक है दिस इज रेजिलियंट नेक्स्ट सब्सटैंशियल कोई मेजर थिंग किसी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होना कंसिडरेबल अमाउंट में होना द कंपनी रिपोर्टेड इंक्रीज इन फॉर द फिजिकल ईयर सो कंपनी ने रिपोर्ट करा कि सब्सटैंशियल इंक्रीज हो सकता है प्रॉफिट का फॉर द फिजिकल ईयर ठीक है नाउ अंडरमाइन अंडरमाइन करना किसी चीज को डिमिनिश कर देना कॉन्स्टेंट क्रिटिसिज्म कैन अंडरमाइन अ पर्सन सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर हम टली किसी भी पर्सन को क्रिटिसाइज करेंगे किसी भी स्टूडेंट को क्रिटिसाइज करेंगे तो उससे उसका कॉन्फिडेंस अंडरमाइन हो जाएगा ना सेल्फ कॉन्फिडेंस अंडरमाइन हो जाएगा दैट इज अंडरमाइन वेलिडिटी द रिसर्चर केयरफुली एग्जामिन दैलिडिटी ऑफ द स्टडीज रिजल्ट उसने केयरफुल एग्जामिन करा वैलिडिटी देखी जो स्टडी के रिजल्ट आ रहे हैं ये वैलिड है भी कि नहीं है ये ट्रू है भी कि नहीं है तो वो चीज चेक करी वर्सिटाइल दर्सिटाइल एक्टर बहुत बार यूज करते हैं वर्सिटाइल एक्टर बिकॉज वो एफर्टलेसली ट्रांजिशन कर पाया कॉमिक रोल में भी और ड्रामेटिक रोल में भी तो उसे क्या बोलेंगे वर्सिटाइल दर्सिटाइल एक्टर एफर्टलेसली ट्रांजिशन बिटवीन कॉमेडिक

उट द ग्लोव पैनिक हो गया काफी सारे लोग डर गए उसकी वजह से आपको बताए हैं इन एटीन वर्ड्स के मीनिंग बताए और इन एटीन वर्ड्स के सेंटें भी बताए बट इन वर्ड्स का बेनिफिट आपको तभी होगा अगर आपको इन वर्ड्स की वर्ड फॉर्म पता होगी तो जैसे अक्वायर इज अ वर्ड तो इसे एज अ वर्ब आपने यूज करना है एम्बिग्यूअस एम्बिग्यूस क्या है एक एडजेक्टिव है सो so, इससे आपने एडजेक्टिव की तरह यूज करना है कोहेसिव Again, adjective, adjective की तरह यूज करो. कोई एक प्रॉब्लम हुई इफेक्ट हुआ इन एविटेबल समिंग डेट इज सर्टन टू हैपन डेट इज एन एडजेक्टिव अगर आपको ये चीजें पता होंगी कि ये वर्ब है एडजेक्टिव है तभी प्रॉपरली यूज कर पाओगे बट अगर आपको अभी भी नहीं पता कि वर्ब क्या होता है एडजेक्टिव क्या होता है नाउन क्या होता है सो प्लीज वॉच दिस वीडियो ये आपको एंड स्क्रीन पे दिख जाएगी आइल्स की सारी ग्रामर एक ही वीडियो में आई नो वीडियो थोड़ी लेंदी है फोर्टी नाइन मिनट्स की वीडियो है बट बहुत मेहनत करिए इस वीडियो पे ये वीडियो जरूर देखना और ये वीडियो अभी तक समवेयर अराउंड टू हंड्रेड फिफ्टी के लोग देख चुके हैं स so इतने लोगों को ढाई लाख स्टूडेंट्स को बेनिफिट हुआ है ये वीडियो देख के तो ये वीडियो मस्ट हैो एंड वॉच दिस वीडियो और आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ये भी बताने वाले हो कि नोशन क्या है नाउन है पैराडॉक्स क्या है प्रोवोक क्या है रेलिवेंस क्या है सोच समझ के बताओ कि क्या है दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर इट विथ एवरी अदर आयल्स एस्पिरंट एस ठीक है एंड दैट विल हेल्प असा लॉट बिकॉज इसी से ही हम लोगों को मोटिवेशन मिलती है और पता चलता है कि आप लोगों को वीडियोज अच्छी लग रही है थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे गुड बाय एंड सच श्री अकाल बाय